गोरखपुर में किडनैपिंग और हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने 5 लोगों को इसी सिलसिले में गिरफ्तार भी किया, लेकिन इंसाफ की गुहार लगा रहे परिवार का देखिए कैसे रो रो कर बुरा हाल है। रोती विलखती मां, गमगीन परिजन, तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की, जहां जंगल छत्रधारी मिश्रोलिया टोला में बदमाशों ने एक पान की दुकान चलाने वाले दुकानदार के 12 वर्षीय इकलौते पुत्र के अपहरण के बाद हत्या कर दी। बच्चे का शव सोमवार शाम घर से करीब 7 किलोमीटर दूर नाले में फेंके गए एक बोरे में मिला। बच्चे का शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। किडनैपर्स ने बच्चे के घर वाले से फिरौती में 1 करोड़ रुपए मांगे। पुलिस कुछ करती उससे पहले ही दरिंदों ने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अपहरण के बदले 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। काफी गरीब महाजन जो पान की दुकान चलाते हैं वो सकते में थे कि आखिर उनकी हैसियत से अधिक फिरौती कौन मांगने वाला है और बच्चे का अपहरण आखिर हुआ तो क्यों हुआ। घर वाले पहले बच्चे को खोजते हैं, गांव में हर तरफ ढूंढते हैं, लेकिन जब बच्चा नहीं मिलता है तो उनको यकीन होता है कि वाकई उनके बच्चे को अगवा कर लिया गया है। पुलिस को जैसे ही मामले की सूचना मिली पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बच्चे की डेड बॉडी जो है बरामद हुई, एक व्यक्ति निशानदेही पे और जो है बाकी कई सारे लोग हिरासत में। यूपी में योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। यूपी में अपराधी खुलेआम किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और अब लोगों का पुलिस के इकबाल से विश्वास उठ रहा है। सीएम योगी ने यूपी को भयमुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन उनके वादों पर यूपी पुलिस खरी नहीं उतर रही बल्कि सारे दावों पर पलीता लगा रही। टीम न्यूज़ नेशन।